ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದ ಮುಂದ ಎಲ್ಲರ ಟಬ್ಗಿಯವರು ದುರ್ಗಾದವ್ರು ಬಂದು ನಿಂತಿರಬಾರ್ದು ಕೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಜಾಬರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹಂಗೇರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಲಿಗೆ. ನಿಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಬಿಡೋ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಮಂತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರಮಾಜಿಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಏನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮದ್ರಸಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಂದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಬಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु. इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है. कैसे हालात के साथ कुछ सियासतदान अपना रंग बदलते हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल बीजापुर का एमएलए बसनगौड़ा इतनार पाटिल को पेश किया जा सकता है. जहनी तौर पर नफरती जहर से मुतासिर मुसलमानों को जो मन में आए बखना इसका पसंदीदा शौक रहा है. शायद अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा साबित करना चाहता था. कभी नबी की शान में तो कभी टिपू सुल्तान को तो कभी पूरे मुस्लिम समाज को ही गालियां खुले मन से दिया करता था. लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगता. कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत ने अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लगा दिए. भाजपा और संघ परिवार और यत्नार जैसे नफरती चिंटू अलग दुनिया में जी रहे थे. इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा तो मुसलमानों से दुश्मनी अदावत इनके औहदों को और ऊंचाई पर ले जाने की वजह बन सकते हैं. पर हुआ कुछ और. जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी है कहीं पर भी भगवा ब्रिगेड सरगर्म नजर नहीं आ रहे. और जैसे कल हमने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने पुलिस अफसरान को खुले तौर पर तंबी देते हुए भगवाकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहा, तो तमाम फिरका परस जहनी दबाव में देखे जा रहे हैं. खासकर जो उछल उछल कर मुसलमानों के बारे में गालियां और नफरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, अब भाईचारे की बात करते देखने को मिल रहे हैं. पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे इसके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही. नानु बंदंत क्षेत्र नु बहळष्टु मुस्लिम भाई बल्लंत ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. मतलब साफ है कि जब हुकूमतें बदलती है तो इनका रवैया इनका रंग भी बदलने लगता है. एक तरफ मुल्क की सियासत को नई दिशा देने का काम कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने किया है, जिसके लिए कर्नाटक आवाम का कितना भी शुक्र अदा करे कम है. जहां बात बात को मुसलमानों को बेवजह निशाना बनाने वाला यत्नार भीगी बिल्ली की तरह चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है. और यह खौफ ही इस लोकतंत्र की जीत कह सकते हैं. बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने का जो ऐलान खुद वजीर आजम ने किया था उसे तक आवाम ने रिजेक्ट कर दिया. भाजपा आने वाले दिगर रियासतों के चुनाव को लेकर फिक्रमंद है. इनकी हालत खराब हो चुकी है, हवा निकलती जा रही है. मरकज में जितने भी बड़े कैद बैठे हैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या पैंतरा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कर्नाटक चुनाव का असर मुल्की सतह पर देखा जा रहा है. यहाँ तक कि 30 भाजपाइयों के डिपॉजिट जब्त हो चुके हैं. हालांकि गोदी मीडिया इस तरह की खबर नहीं चलाएगी और ना इस पर डिबेट रखेगी. यहां तक जब से कर्नाटक चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीत चुकी है, योगी आदित्यनाथ का तक कोई बयान सामने नहीं आया. मतलब खौफ मुसल्लत है और ये खौफ ही इस मुल्क की एकता अखंडता को बरकरार रख सकता है. अगर थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं इस चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि अब मुल्क हिंदुत्व और भगवाकरण की तरफ चल पड़ा है. मोदी भी जहां भी मौका मिले एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश मुस्तकिल करते रहे. कपड़ों से पहचानने की बात करते थे, कौन फसादी है कौन दहशतगर्द है इस पर भी खोलकर तबसरा किया जाता था. अमित शाह जिसे चाणक्य कहा जाता है इसका भी असर फीका हुआ. बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के जरिए हिंदू मुस्लिम का पुराना कार्ड चलाने की कोशिश भाजपा करती रही लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ. और दूसरी तरफ अब जब कांग्रेस हिजाब से लेकर गोत्य और मजहब तब्दीली कानून में तरमीम करने का ऐलान कर रही है तो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब भी शायद टूटता नजर आ रहा है. मुल्क के संविधान को सरेआम जलाने की तक जरूरत शायद इसी वजह से हिंदुत्व ब्रिगेड कर रही थी, ताकि अब पुलिस अदलिया और सरकारी मोहकमा भी भाजपा संघीय एजेंडे पर चल रहे हैं. लेकिन कर्नाटक ने तो तस्वीर ही बदल दी. कर्नाटक चुनाव ने ब्रेक लगा दिया. 100 साल के मंसूबे कहीं तो कर्नाटक के आवाम ने तबाह कर दिए.
हालांकि कांग्रेस आई तो फसाद होंगे का डर भी दिखाने की कोशिश भाजपा संघ ने किया, लेकिन अब खुद खौफ ज्यादा इसलिए है क्योंकि अपनी हुकूमत में ईडी, आईटी, एनआईए, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल डराने, धमकाने और अपोजिशन को कमजोर करने के लिए किया गया था। डीके शिव कुमार ने इस बात को याद दिलाते हुए उन पुलिस अफसरान को भी इशारा दिया जिन्होंने भाजपा के दबाव में आकर छापेमारी की थी। जाहिर है इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि भाजपा संघ के लोग भी तैयार रहे क्योंकि इंतकामी कार्रवाई हो सकती है और ये जरूरी भी है। जब तक इन्हें डराया नहीं जाएगा ये फसादी जहनियत से बाहर नहीं आएंगे। बिलावजह मुकदमे इन्हीं भाजपाइयों की तहजीब रही है। सत्ता से सवाल करो तो मुकदमे, सत्ता से सवाल करो तो डराने धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियां, और शायद भाजपा के लोगों में इसीलिए खौफ की एक लहर देखी जा रही है। अब मुकदमे तो कांग्रेस भी कर सकती है। खैर इतना तो जरूर है कि जहां पूरा समाज डर खौफ के साए में जी रहा था, भाजपाइयों की धड़कनें भी तेज होने लगी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए देखा जा रहा है कि भाजपा संघीय विचारधारा के लोगों की साजिशें काफी गहरी होती है और 2024 का चुनाव भाजपा ही जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक में सत्ता तब्दीली बहुत कुछ बयान कर रही है और साथ में कांग्रेस हुकूमत के आते ही उन फैसलों को बदलने का ऐलान जिन्हें लागू कर नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा था। पुलिस अफसरान को तंबी और भाजपाइयों पर मुकदमे के इम्कान से यतनाज जैसे नफरती लीडरों के चेहरे का रंग बदल गया है और शायद यही वजह है आज यतनाज बजाय मुसलमानों को गाली देने के भाईचारे की बात कर रहा है। मतलब डर बरकरार है और ये डर बरकरार रहना चाहिए इतना जरूर है। आज की दिगर अहम खबरों में सबसे पहले खबर टीपू सुल्तान की उस तलवार की जिसकी नीलामी में अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वाजह रहे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलवार लंदन बोनहम्स के नीलामी घर में बेची गई। इसकी कीमत 14 मिलियन यानी 140 करोड़ से भी ज्यादा कीमत हासिल हुई है। टीपू सुल्तान की यह तलवार महल में पाई गई। जब भी टीपू सुल्तान आराम फरमाते उनके करीब यह तलवार बिल्कुल नजदीक रहती। कहा यह भी जाता है कि टीपू सुल्तान इतने चौकन्ना जंगजू थे कि हर लम्हा तैयार रहते थे। इनके आरामगाह में एक पिस्टल भी थी। लंदन के बोनहम्स ने बताया कि टीपू सुल्तान के तमाम हथियारों में सबसे बड़ी तलवार के तौर पर इसे देखा गया, जिससे उस वक्त के अंग्रेज भी हैरान थे। उस वक्त के मेजर जनरल डेविड बेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने इस तलवार के बारे में और टीपू सुल्तान की बहादुरी पर हैरत का मुजाहरा किया था। ये तमाम अंग्रेज माहिरीन ने उस वक्त कलमबंद भी किया हुआ है। यह तलवार टीपू शहीद की बिल्कुल निजी तलवार के तौर पर कहा जाता है और इसे उनके सिवा कोई और भी छू नहीं पाता था, ऐसा भी कहते हुए देखा गया है। खैर इस टीपू शहीद को बदनाम करने वालों को शर्म आनी चाहिए जिसका लोहा अंग्रेजों ने माना। टीपू की तलवार की नीलामी ने एक बार फिर टीपू सुल्तान की याद को जिंदा किया है। लिहाजा इतना जरूर है कि टीपू सुल्तान भुलाए जाने वाला नाम नहीं है और यह नाम भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। बैलोंगल में जमीन तनाजे को लेकर दो गिरोह आपस में टकराए, लिहाजा मारामारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिससे जिस्म सहर जाता है। बैलोंगल तालुका के भाविहाड़ में ये वारदात पेश आई। जमीन तनाजा मारामारी के वीडियो आज वायरल हुए हैं। बैलोंगल में मामला दर्ज हुआ है।
बेलगाम के पीसीसी सदर और वजीर रियासत सतीश जारकिहोली के जेर मातियात बेलगाम जिले के तमाम रुकन असेंबलियों ने दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात फरमाई। क्या ये मुलाकात और दो लोगों को जिले में वजारत बहाल कर सकती है क्या? ऐसा सवाल भी आवाम में करते हुए देखा जा रहा है। सतीश जारकिहोली, लक्ष्मी हेबाड़कर और आसिफ राजू सेठ इस वक्त मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।